एक गेंद 6 रन। आखिरी दो ओवर में आरसीबी ने किया चमत्कार, मुंबई को 5 रनों से हराकर फाइनल मिली एंट्री। 16 सालों से ट्रॉफी का इंतजार कर रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए साल 2024 में यह सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यह ट्रॉफी फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग नहीं बल्कि महिला प्रीमियर लीग हासिल कर सकती है, क्योंकि 15 मार्च की रात को एक धड़कन रोक देने वाला मैच गत विजेता मुंबई इंडियंस को मात देकर आरसीबी ने फाइनल में एंट्री कर ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुई इस भिड़ंत के मैच में आरसीबी की टीम को मुंबई ने काफी पहले पीछे दिया था, लेकिन आखिरी ओवर में ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल यह एक लो स्कोरिंग मैच था। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते 136 रन का टारगेट दिया और यह टारगेट मुंबई इंडियंस बड़े आसानी से हासिल कर रही थी, लेकिन तभी 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर से हरमनप्रीत कौर आउट हो गई। उसके बाद क्या विकेट की झड़ी लग गई और उसके बाद आखिरी 12 गेंदें आरसीबी के लिए चमत्कारी साबित हुई, जहां सोफिन ने 19वें ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट लिया। अब आखिरी के ओवर में 6 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी। ऐसे में बॉलिंग करने आई आशा शोभना ने सिर्फ 6 गेंदों में 6 रन दिए, जिसके चलते आरसीबी ने 5 रनों से रोमांचक जीत हासिल करके फाइनल में अपनी जगह बना ली है। तो दोस्तों, आरसीबी की इस जीत पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।